अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सबक नंबर 3 जो है वो काहली पढ़ेंगे। हम लोग जो है व्हाट्सएप के लेक्चर में ये हम लोग कर चुके सबक, लेकिन कुछ बच्चों के पास था और कुछ बच्चों के पास नहीं था। तो सबसे पहले जो है ये बहुत अहम सबक है पेपर के हवाले से भी, और वैसे भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है आप लोगों का। सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए और 1898 में उनकी वफात हुई। सर सैयद के मोरिसे आला जो थे शाहजहां के अहद में हिंदुस्तान आए, यानी कि उनके खानदान के जो अबाओ अजदाद थे, जब हिंदुस्तान में शाहजहां की हुकूमत थी तब वो आए थे। मुगलिया दरबार के बड़े ओहदों पर फायज रहे। सर सैयद ने रवाज जमाना के मुताबिक जो उस वक्त रवाज था तालीम पाई। सबसे पहले अदालत में बतौर सरिश्तादार काम किया, फिर तरक्की करके मुनसिफ हो गए। सरकारी मुलाजमत के बावजूद सर सैयद मुसलमानान हिंद की इस्लाह के लिए बराबर कोशिश करते रहे। उन्होंने पहले एक अंग्रेजी स्कूल मुरादाबाद और गाजियाबाद में खोला। 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी, जो बाद अज़ां हिंदी मुसलमानों का सबसे अहम तालीमी, सियासी और अदबी मरकज करार पाया। अंग्रेजी से उर्दू में तराजिम करके तर्जमा की जमा तराजिम करके साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1870 में इल्मी और अदबी रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। इस रिसाले की परवरदा नस्ल ने हमारी इज्तमाही जिंदगी पर गहरे असरार डाले। सर सैयद ने उर्दू में मजमून की सिंफ को रवाज दिया। सिंफ का मतलब होता है किस्म। जो उर्दू अदब में मजमून निगारी आई है उसका आगाज किसने किया था? सर सैयद ने किया था। खुद कसरत से मजामीन लिखी और अपने रुफका से रफीक की जमा रुफका दोस्तों से कौमी तालीमी मजहबी अखलाकी मौजूआत पर मजामीन लिखवाए। सर सैयद का सलूब निगारी सादा सहल, सादा सहल, सहल का मतलब होता आसान, बेसाख्ता और तसन्नो से पाक है। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि मिन जुमला बेशुमार एहसानात के जो सर सैयद ने हमारी कौम पर किए, इनका बहुत बड़ा एहसान उर्दू जुबान पर है। उन्होंने जुबान को पस्ती से निकाला, अंदाजे बयान में सादगी के साथ वसत पैदा की, संजीदा मजामीन का डोल डाला बुनियाद डालना, ये मुहावरा है। जदीद अलूम के तर्जमे कराए, बेलाग तनकीद और रोशन ख्याली से उर्दू अदब में इनकलाब पैदा किया। सर सैयद एक बहुत बड़े मुसलह और मेमारे कौम होने के अलावा आला दर्जे के मुसन्निफ भी थे। उन्होंने छोटी बड़ी 30 से ज़ायद किताबें लिखी। तकरीरें, खतूत और मजामीन के मजमूए इनके अलावा हैं। इनकी अहम तसानीफ में असार सनादीद, रिसाला इसबाब बगावत हिंद, तबीन कलाम, खुतबात अहमदिया और तफसीर कुरान शामिल हैं। इनका ये तारुफ जो है आपने याद करना है, जो उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज कब खोला, जो है रिसाला तहजीबुल अखलाक किस सन में शाया किया, इनके किताबों के नाम, किस सिन को रवाज दिया। अब इसमें जो है उन्होंने काहली के असल मतलब से आगाह किया कि काहली किसे कहते हैं। कहते हैं इंसान को अल्लाह ताला ने एक दिल की ताकत अता की है और साथ शौर और अक्ल दिया है। जब इंसान दिल के साथ जो काम करता है, अपनी ज़िंदगी को बामकसद गुजारता है, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाता है, तो फिर ही इंसान उसके लिए तगोदो करता है, इस मकसद को हासिल करने की कोशिश करता है, हाथ पांव मारता है तो अपने मकसद को हासिल कर लेता है। तो जो लोग मकसद नहीं बनाते, अपनी ज़िंदगी का कोई उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, तो वो काहिल होते हैं, वो सुस्तुल वजूद होते हैं। और बताया है कि जब तक एक कौम बेकार रहना नहीं छोड़ेगी, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसके जो है इक्तबास, इसके अल्फाज मानी हैं, आपने वो याद करने हैं। अब इसके अल्फाज मानी, काहली का मतलब है सुस्ती, काम काज, कारोबार, दिली कुवा, दिल की कुवतें, बेकार, फालतू, फजूल औकात बसर करना, वक्त गुजारना, बसर औकात, वक्त गुजारना, मुहैया करना, फराहम करना, देना, काहिल, सुस्त, तबीयत सानी, दूसरी आदत मुराद, पुख्ता आदत, हाजत, ज़रूरत, हैवान सिफत, जानवरों जैसी बुरी आदतों वाला, ज़रूरतन, ज़रूरत के तहत, काम में लाना, इस्तेमाल में लाना, आर्जी, वक्ती, वहशी, गैर मुहज़्ज़ब या जंगली, मिसल, मानिद की तरह, तहरीक, हरकत या तरगीब देना, मशगूल होना, मसरूफ़ होना, मुंतज़िर,
इंतज़ार करने वाला अखराजात, खर्च, चंदा, ज़रा सी बिल्कुल भी मुशक्कत, सख्त मेहनत, लाखराजदार जो महसूल नहीं देते, महसूल टैक्स को कहते हैं। मलकियों, अपने मुल्क के बशिंदे मायल होना, मतवज्जो होना, कुमारबाजी, जुआ, तमाशबीनी, तमाशा देखना, आवारगी, पहवाड़, बदसलीका, फोहड़, बदसलीका, बदअतवार, वजादार, रख रखाव वाला या महज़ब, कुवाए दिली, दिल की ताकतें, कुवत अकली, अक्ल की कुवत, बरखलाफ, बरक्स, वलायत, इंग्लिस्तान, वहशतपना, दीवानगी या जंगलीपन, क्यों कर, कैसे, रफा होना, दूर होना, मुस्तदी, चुस्ती, फुर्ती, रफा, दूर होना, तवक्को, उम्मीद, अंदरूनी कुआ, दिल की ताकतें या अंदरूनी सलाहतें, फिकर, सोच विचार, सबब, वजह, बेहतरी, भलाई, कसूर, गलती। ठीक है, रोटी पैदा करने के लिए नहाय ज़रूरी है मेहनत, लोग बहुत कम काहिल होते हैं, रोज़ाना मेहनत करने वाले हर एक इंसान पर लाजिम है, अपने अंदरूनी कुआ को जिंदा रखे, कौम की बेहतरी की तवक्को की जा सकती है काहली छोड़कर। उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है, जब इसके दिली कुआ की तहरीक सुस्त हो जाए, काम में नहीं लाई जाती तो वो तो हैवानी खसलत में पड़ जाता है। हमारे मुल्क में जो हमको अपने कुवाए दिली और कुवाए अकली को काम में लाने का मौका नहीं मिल रहा, इसका भी सबब यही है कि हमने काहली इख्तियार की हुई है। किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना नहीं चाहिए। अब अल्फाज मुस्तजाद हैं, काहली चुस्ती, अक्ल बेअकली, आर्जी मुस्तकिल, वहशी महजब, शक यकीन, मसरूफ फारिग। अब दुरुस्त और जो गलत हैं, दिली कुवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। दुरुस्त, हाथ पांव की मेहनत, औकात बसर करने, रोटी कमा कर खाने के लिए ज़रूरी नहीं। गलत है, ये सच नहीं कि लोग पढ़ते हैं, पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। गलत, काहली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। दुरुस्त, ठीक है। अब एराब है काहिल, कुआ, तबीयत, तहरीक, रफा, ठीक है। मज़मून का असल लफ्ज़ के अपने असल के अतबार से अरबी है, जिसके लूफी मानी जमन में लिए हुए हैं। किसी मुकर्रा मौजू पर अपने ख्यालात और जज्बात और तासुरात का तहरीरी एजार मजमून कहलाता है, ठीक है। अब आपने इसका खुलासा सवाल जो आप याद करने हैं, अल्फाज मानी याद करने हैं, सबक की रीडिंग करनी है, तारुफ याद करना है और खुलासा याद करके आपने नीट कॉपी पे लिखना है। सवाल जो आप याद करके आपने नीट कॉपी पे लिखने हैं। और अब इसकी तबासात की तशरीह जो है वो व्हाट्सएप के लेक्चर में मैं करा चुकी हूँ, लेकिन आपने दोबारा भी जो है इस सबक की जो है तशरीह करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।